एम संदीप सर एंड वेलकम टू मारवेल इंग्लिश क्लासेस Today, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी ऑड टू अट्टम यानी कि आज के इस वीडियो में हम सब रेनबो पार्ट टू के पोएट्री सेक्शन के चौथे पोयम ऑड टू अट्टम के बारे में स्टडी करेंगे तो सबसे पहले जानते हैं कि ऑड टू अट्टम किसके द्वारा लिखा गया था अर्थात किसके द्वारा कॉम्पोज किया गया था तो चलिए जानते हैं ऑट टू अटम जॉन किड्स के द्वारा लिखा गया था किसने लिखा था बच्चों जॉन किड्स के द्वारा लिखा गया था थोड़ा सा समझते हैं जॉन किड्स के बारे में ठीक है बच्चों कि जॉन किड्स का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था जॉन किड्स की मृत्यु कब हुई थी जॉन किड्स का जन्म कहाँ हुआ था ठीक है थोड़ा सा जॉन किड्स के बारे में चलते हैं तो समझे में हो कि जॉन किड्स का जो जन्म हुआ था वो हुआ थर्टी फर्स्ट याद रखना होगा थर्टी थर्टी फर्स्ट अक्टूबर अक्टूबर सेवेन्टीन नाइन्टी फाइव में हुआ था ठीक है और इन और इनका जन्म कहाँ हुआ था बच्चों तो याद रखना होगा मॉर्गेट में हुआ था मॉर्गेट लंदन में हुआ था कामो हुआ बच्चो लंदन वैसे कि में वैसे ये किताब में एक मुनफील्ड नाम का जगह भी दिया हुआ है कोई दिक्कत नहीं आप इसको भी समझ सकते मोनफील्ड वहीं का एक लोकल प्लेस है ठीक है तो मॉर्गेट मोनफील्ड लंदन में इनका जन्म हुआ था कब हुआ था ये भी आप जान गए अब थोड़ा समझते हैं कि इनका जो मृत्यु हुआ था वो कब हुआ था तो मृत्यु कब हुआ था वो देखो किताब में भी आपका दिया हुआ एटीन ट्वेंटी वन में हुआ था तो लिख देता हूँ आपको कब हुआ था बच्चों तो यहां पर लिख सकते हैं आप कि इनकी मृत्यु जो हुई थी डाइड डाइड ट्वेंटी थर्ड फेबरवरी ट्वेंटी थर्ड फेबरवरी एटीन ट्वेंटी वन में हुआ था कब 1821 हुआ था बहू एटीन ट्वेंटी वन में कहाँ हुआ था बच्चों इन रोम में इनकी मृत्यु हुई थी कहाँ हुई थी बच्चों सॉरी कहाँ हुई थी इनकी मृत्यु इन रोम रोम में इनकी मृत्यु हुई थी इस बात को दिमाग में रखिएगा कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी रोम में हुई थी ठीक है दूसरी बात मैं बता रहा हूं इसमें कि थोड़ा सा इनको बताया कहां पर इनको मतलब कि दफनाया गया था तो रूम में ही दफनाया गया था उस जगह का नाम था बाबू जो प्लेस था उस जगह का जहां पर इनको दफनाया गया था उस जगह का नाम है प्रोटेस्टेंट याद रखेंगे प्रोटेस्टेंट सिमेट्री सिमेट्री करा के प्रो प्रोटेस्टेंट सिमेट्री यहां पर लिख देता हूँ प्रोटेस्टेंट सिमेट्री, सिमेट्री, ठीक है मैं इनको दफनाया गया था क्लियर हो गया बाबू बात अब थोड़ा सा जानते हैं इनके और बारे में तब मैं बुक से भी आपको पढ़ा दूंगा कुछ एक्स्ट्रा चीज बता देता हूं इनके जो फादर थे जिनके इनके जो पिताजी थे नाम ना? था थॉमस किड्स क्या नाम था बच्चों इनके पिताजी का थॉमस थॉमस किड्स नाम था याद रखेंगे थॉमस थॉमस किड्स इनके पिताजी का नाम था जिनकी मृत्यु जो है बाबू वो अठारह सौ चार ईस्वी में हो गई कब हो गई इनकी मृत्यु अठारह सौ चार ईस्वी में हो गई जब किड्स का जो उम्र था आठ साल का था यानी किड्स जब आठ साल के थे तो उस समय इनके पिताजी का देहांत हो गया ठीक है और इनके पिताजी का देहांत कैसे हुआ बाबू तो इनके पिताजी किसी राजघराने में घोड़ा जो होता है सब ना घोड़ा के अस्तबल की देखरेख करते थे घोड़ा को कैसे रखा जाता है वो सब अपना देखरेख करते थे उसी में एक एक बार घोड़े पर चढ़ने के दौरान घोड़े पर से गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई थी ठीक है और इनकी मम्मी जो है ध्यान रखेंगे इनकी मम्मी जो है मदर्स जो हैं जिसका नाम था फ्रांसिस किट्स फ्रांसिस किट्स नाम था इनके मम्मी का नाम ठीक है फ्रांसिस किट्स इनकी मृत्यु जो है टीबी की बीमारी से हो गई थी इनकी मृत्यु कब हुई बबू टीबी की बीमारी से हो गई थी 1810 सौ दस में इनकी मम्मी की मृत्यु हो गई थी टीबी की बीमारी से याद रखेंगे टीबी टेब्रोक्लॉसिस इसको बोलते हैं और यही जो जो रोग था वो जॉन किड्स में हो गया था मैंने कि टेब्रोक्लॉसिस की बीमारी जो है जो एक खानदानी चलता है वो किसको हो गया जॉन किड्स को हो गया और जॉन किड्स की भी मृत्यु जो है टेब्रोक्लोसिस से ही हुई थी ठीक है थोड़ा सा इनके बारे में और जानते हैं बच्चों की इनके जो थे कि ही हैज थ्री थ्री ब्रदर्स थ्री ब्रदर्स एंड वन सिस्टर इनके तीन भाई और ये इनकी एक बहन थी ठीक है तीन भाई और एक बहन थी इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे क्लियर उसके बाद मैंने कि इनके जीवन में बड़ा ही मतलब उतार चढ़ाव रहा उम्र में इनके पिताजी का मृत्यु हो गया ठीक है चौदह साल के उम्र में इनके मम्मी गुजर गई ठीक है तो ये जो दर्द है ये जो कष्ट है इससे बहुत बड़ा मतलब कि जॉन किड्स को मतलब बड़ा नुकसान हुआ अपने लाइफ में और ये फिर मतलब कि सर्जिकल में काम करने लगे मैंने कि डॉक्टरी सीखने लगे थे ठीक है लेकिन फिर भी उनका इंटरेस्ट डॉक्टरी में नहीं था फिर भी वो मतलब लिटरेचर सेक्शन में आ गए तो इस तरीके से उनका जो जीवन था वो बड़ा ही कष्टमय था ठीक है आगे तो बताना चाहता हूँ बाबू कि इनको इनकी जो पढ़ाई लिखाई हुई थी वो जॉन क्लार्क्स नाम के स्कूल में हुई थी जॉन क्लार्क्स नाम के स्कूल में इनकी पढ़ाई लिखाई हुई थी वहीं पर याद रखिएगा वहीं पर मतलब जो स्कूल के प्रिंसिपल थे जो हेड थे हेड जो थे तो हेड का बेटा जिसका नाम था, जिसका नाम था काउडेन याद रखें बच्चों काउडेन क्लार्क नाम था उसका काउडन क्लार्क के द्वारा इनको मतलब कि लिटरेचर के प्रति उकसाया गया था काउडन क्लार्क ने इनको एस्पेंसर का क्वीन दिया ध्यान रखेंगे फेरी क्वीन ठीक है फेरी क्वीन दिया स्पेंसर का फेरी क्वीन दिया इसको पढ़ने के बाद फेरी क्वीन को पढ़ने के बाद जो मतलब इनके अंदर जो है वो लिटरेचर के प्रति जो भावना थी वो बहुत जग गई देखो इनको ग्रीक पोइट के नाम से भी जाना जाता था इनको ग्रीक पोइट के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि ये ग्रीक भाषा में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे उन्हें ग्रीक माइथोलॉजी ग्रीक की कहानियों को पढ़ना पढ़ने में ये ज़्यादा मतलब कि इंटरेस्ट लेते थे ठीक है बच्चों अब इनके बारे में थोड़ा सा और आगे बताना चाहता हूं आप लोगों को कि इनकी एक गर्लफ्रेंड थी जी थी जिसका नाम था फैनी ब्राउन फैनी ब्राउन नाम था उसका ठीक ठीक है बाबू फैनी ब्राउन याद रखेंगे एफ है ये फैनी ब्राउन इनकी गर्लफ्रेंड थी जो मतलब कि इनकी बीमारी को जान करके जब इनको उसको पता चला कि इनको भी ट्रोल हुआ है बीमारी हुआ तो इनका इनका साथ छोड़ देती है मतलब किसी न, कोई ना कोई, कोई बहाना करके इनका साथ छोड़ देती है जिस पर कवि ने बहुत सारे रचना भी किए हैं बहुत सारी कविताओं को भी लिखे हैं इसके बारे में ठीक है अपने गर्लफ्रेंड के बारे में।, बारे में उसके बाद इनका जो फर्स्ट पोम था याद रखेंगे इनकी जो फर्स्ट पोम था जो फर्स्ट पोम था जिसका नाम था ओ सेट्यूट क्या नाम था वो ओ शैली ओ सेट्यूड इनकी फर्स्ट पोएट्री थी जो छपी एक मैगजीन था बाबू मैगजीन था जिसका नाम था एग्जामिनर एग्जामिनर ठीक है एग्जामिनर नाम के मतलब कि मैगजीन में इनकी पहली जो कविता थी वो ओ, ओ सेलिट्यूड छपी थी किसके हेल्प से उस व्यक्ति का भी नाम आप जान लीजिए किसके हेल्प से मतलब कि ये कविता जो है वो उनकी छपी थी जिसका नाम था ली हंट ली हंट नाम था उसका ली हंट ने इनकी पहली कविता को जो है पब्लिश पब्लिश किया था छापा था ठीक है तो इस तरीके से ये अपने जीवन का स्टार्टिंग किए ठीक है ठीके? अब आइए थोड़ा सा हम समझते हैं मतलब कि कविता में क्या दिया गया है थोड़ा सा इसको देखते हैं ठीक है बच्चों ओड टू अटम पतझड़ गीत इसका मतलब क्या होता है बबू पतझड़ गीत किसका लिखा हुआ है जॉन किड्स का लिखा हुआ है अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं यहाँ कविता में थोड़ा सा इसको हम जानते हैं ठीक है बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग बढ़िया से बारीकी से कह रहा है तो कि जान गए कि जन्म कब हुआ मृत्यु कब हुई तो पता चल गया आपको फिर है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स देखिए इनको रोमांटिक पोएट्स के नाम से जाना जाता है किस पोइट के, के नाम से जाना था वो रोमांटिक पोइट्स के नाम से इनको जाना जाता है याद रखिएगा इस पर क्वेश्चन भी आ सकता है आपको किस कवि के नाम से जाने जाते थे ठीक है वॉजबोर्न इन मुनफील्ड नाम के जगह पर इनका जन्म भी हुआ था यह भी बात को ध्यान रखेंगे लंदन में जन्म हुआ था ही स्टडीड एट क्लार्क स्कूल आपको पता चल गया इनफील्ड में इनकी पढ़ाई लिखाई हुई थी क्लार्क्स स्कूल में डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग ये ज्यादातर मतलब खेल की दुनिया की अगर बात करते हैं तो ये क्रिकेट और बॉक्सिंग में ज्यादा इंटरेस्टेड थे ठीक है ही ग्रीव इंटू अ ओरिस रीडर स्पेशली ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी वे जो है मतलब कि ग्रीक माइथोलॉजी में ज्यादा विश्वास मैंने बताया था बताया भी था आप लोग को अभी कि इनको ग्रीक पोएट के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि इनको मतलब कि रोमन के ग्रीक के मतलब कि जो पुरानी कथाएँ थी उसको पढ़ने में ज्यादा मन करता था और ये ज्यादा मतलब वोरेसियस का मतलब होता है भूखड़ टाइप का कह सकते हैं भूखड़ इसका मतलब ये हो सकता है कि मतलब बहुत ज्यादा हाईली इंटरेस्टेड कह सकते हैं बच्चों भूखड़ का मतलब हम कह सकते हैं कि हाईली इंटरेस्टेड बहुत ज्यादा वो इंटरेस्टेड थे ठीक है तो इस तरीके से मतलब कभी की कभी का थोड़ा सा आगे हम लोग परिचय जानते हैं इनके बारे में कि आगे कह रहा बाबू कि ही इवन स्टार्टेड अ ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल्स ए नीड उन्होंने एनीड उसका ट्रांसलेशन उसने करना शुरू किया हिज एम्बिशन टू बिकम अट पोट वॉज फायर्ड बाई हिज फर्स्ट एक्वाइंटेंस एक्वाइंटेंस विद द फैरिज क्वीन मैंने बताया था इसके बारे में बताया बाबू की जो फेरी क्वीन है उसको किसने दिया था आपको बताया गया है गया बाबू कि फेरी क्वीन जो है क्लार्स स्कूल के हेडमास्टर के बेटे जिसका नाम था बच्चों काउडेन क्लार्क आपको बताया गया लिखकर बताऊं काउडेन क्लार्क के द्वारा मतलब कि ये पुस्तक दी गई थी स्पेंसर का फेरी क्वीन जिसको स्पेंसर थी जॉन किट्स ने पढ़ा और उसके अंदर जो है वो कवि की भावना जग गई यानी कि देखिए यहां पर लिखा भी गया है बाबू कि कवि की भावना जग गई मतलब कि स्पेंसर का जब उसने फेरी क्वीन पढ़ा तो उसके कवि बनने में एक चिनगारी उत्पन्न कर दी गई कि एक फै। देखिए फैड का मतलब होता है चिनगारी उत्पन्न हो जाना उनके परिचय के साथ उन उसके अंदर एक चिनगारी उत्पन्न हो गई चिनगारी उत्पन्न होना तो ज्यादातर एक्साइटेड हो गए ठीक है अब आगे बढ़ता हूँ इनके बारे में कि हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री एंटाइल्ड पोम पोम्स वॉज पब्लिश्ड इन 1817 इनका जो फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री जो मैंने बताया था कि फर्स्ट पोएम इनका निकला था ओ सेलिट्यूड फर्स्ट पोएम अब इसी को दो चार पांचों के मिला करके वॉल्यूम ऑफ पोएट्री बनता है ये ऑड एंड सॉरी ओ सेलिट्यूड जो है वो एग्जामिनर नाम के मैगजीन में छपा हुआ था ठीक है अब आपको यह भी बात बता देना चाहता हूं कि हीज पोम्स इनकी पोएम जो था एंडीमैन जो था वॉज वेल अप्रिशिएटेड बाई वर्ड्सवर्थ इनके जो एंडीमैन कविता थी वो उसका प्रशंसा जो है वर्ड्सवर्थ के द्वारा किया गया विलियम वर्ड्सवर्थ वो भी मतलब रोमांटिक एरा के कवि थे ठीक है इनसे सीनियर थे ठीक है ध्यान में रखिएगा आप लोग कि वो भी रोमांटिक एरा के कवि थे इट वॉज पब्लिश्ड इन एटीन एटीन या कब छपा था बाबू ध्यान रखेंगे कि इंडिमेन कब छपा था इनका तो 1818 में छपा था हिज ओड्स इनकी जो है ओड्स हैं जो लगभग एक ही साथ ओड्स ये लिखे थे पता नहीं इसमें कितना दिया गया है वन टू टू थ्री फोर फाइव फाइव सिक्स हाँ दिया हुआ ठीक है एक ही बार उनका जो छः जो पोएम है ओड पोएम छपी हुई थी ओड का मतलब होता है लंबी गीत ओड का मतलब क्या था वो लंबी कविता ठीक है और लंबा गीत समझ सकते हैं उनका ओड्स जो था जिसका नाम था ऑन इंडोलेंस था उसके बाद ऑन अग्रेशियन अर्न था टू साइकी था टू अनाइटेंगल था एंड मेलांकली था ठीक है ओड टू अटम था ये सारी कविता एंड ओड टू अटम ये सारी ओड थी उनकी ठीक है लंबी कविताएं थी इसको उन्होंने लिखा अपने शॉर्ट लाइफ में बताया भी गया था कि इनको ट्यूबल की बीमारी हो गई थी ठीक है ना अपने शॉर्ट लाइफ में इतनी रचनाएं की ठीक है मेड हिम अ ग्रेट रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर में और टू अटम ये सब जो जितने भी आपको ओड थे उनको इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत बड़ा स्थान दिला दिया किस किस क्षेत्र में बाबू अत रोमांटिक के क्षेत्र में रोमांटिक एरा के क्षेत्र में इनको मतलब कि बहुत एक बहुत बड़ा स्थान प्राप्त हो गया ठीक है अतः इनको रोमांटिक पोएट्स के नाम से जाना जाता है ठीक है सो so डीड ऐसा ही किया लेमिया एंड हाइपेरियन जो लेमिया और हाइपेरियन जो था वो भी ऐसा ही किया उनकी ख्याति में चार चांद लगाया ठीक है ही डाइड ऑफ टिबुलिस इन एटीन ट्वेंटी वन ऐट द एज ऑफ ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स इनकी मृत्यु जो है वो टिब्रोल क्लोसिस टीबी सेन की मृत्यु मैंने बताया भी था आपको स्टार्टिंग में भी कि इनकी मृत्यु कैसे हो हु टीबी सेन की मृत्यु हो गई थी एटीन ट्वेंटी वन में हुआ था एट द एज ऑफ ट्वेंटी सिक्स जब ये छब्बीस साल के थे ठीक है बट विद इन हिज शॉर्ट स्पेन ऑफ लाइफ ही वॉज एबल टू अचीव ग्रेटनेस ये अपने इस छोटे से जीवन में अपने इस छोटे से ही जीवन में उन्होंने महानता हासिल कर ली थी ठीक है कामयाबी हासिल किए या कामयाब हुए छोटे से समय में ही ठीक है आगे बता रहा बाबू ग्रेटनेस फिर कह रहा कि हिज पोम्स एंड लेटर्स लेटर्स हैव डेप्थ बीनीथ देयर ब्यूटी एंड रिफ्लेक्ट्स हिज अवेयरनेस ऑफ द पेंस एंड सफरिंग्स ऑफ लाइफ देखिए बाबू क्या कह रहा है कि उनकी जो कविताएं थी ध्यान रखना है और पत्र की जो सुंदर सुंदरता वो पत्र भी लिखे थे कविता भी लिखे थे पत्र भी लिखे थे, भी लिखे थे याद रखना होगा ठीक ना पत्र भी लिखे थे ये सब क्या की कविता और पत्र जो है वो सुंदरता के साथ साथ गहराई भी रखते थे इनके जो कविताएं थी Osionfish. वो क्या कह रखते थे सुंदरता के साथ साथ क्या रखते थे गहराई भी, भी रखते थे ठीक है देखे देखे, तथा जीवन की पीड़ाओं एवं कष्टों के प्रति उनकी चेतना को प्रतिबिंबित करते हैं और इनकी जो कविताएं हैं उन वो क्या करते बहुत जीवन के पीड़ाओं एवं कष्टों के प्रति उनकी चेतना लिखा हुआ देखिए कह रहा कि जीवन के पीड़ाओं एवं कष्टों के प्रति उनकी जो अवेयरनेस है चेतना है वो मतलब कि क्या करती है बाबू दिखाई देती है उनकी चेतना जो है जागरूक होती है ठीक है किसको बाबू तो अवेयरनेस ऑफ द कहता कि पेंस एंड सफरिंग ऑफ लाइफ मैंने कि जीवन के जो कष्ट हैं जो दर्द हैं वो बयां करती है ठीक है कुल मिलाकर आपको ये बताया गया बच्चों कि वो जो उनके जीवन में पीड़ाएँ थी जो कष्ट थे उनके प्रति उनकी चेतना को क्या करती है प्रदर्शित करती है प्रतिबिंबित करती है ठीक है बच्चों आयकर अगर टू हिम उनके लिए ध्यान रखना होगा उनके लिए अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर एंड ब्यूटी इज ट्रू ट्रूथ एंड ट्रूथ्स ब्यूटी बहुत बढ़िया लाइन है इस लाइन को बहुत अच्छे से याद कीजिएगा मतलब जॉन किट्स का ये फेमस लाइन है बाबू उनके अनुसार एक सुंदर चीज जो है वो प्रत्येक के लिए आनंद है मैंने कि सुंदर चीज जो है सबके लिए आनंद की वस्तु होती है तथा सुंदरता ही सत्य है और सत्य ही सुंदर है आपको एक हिंदी की लाइन याद होगा कि सत्यम शिवम सुंदरम इसी से लाइन को लिया गया था ठीक ना तो यहाँ पर सुंदरम का मतलब क्या होता है ध्यान रखिएगा सुंदरम का मतलब होता है कि ब्यूटी का जो नेचर था सॉरी नेचर की जो ब्यूटी थी सॉरी नेचर की जो ब्यूटी थी इसके बारे में चर्चा करते हैं प्रकृति की सुंदरता के बारे में चर्चा करते हैं ये अलग आप सुंदरता फिजिकल बॉडी की तरफ सुंदरता की बात मत सोचिएगा ठीक है आगे बता रहा बाबू कि करा कि इन द इन दू अटम किट्स डिस्क्राइब द ब्यूटी एंड करेक्टरिस्टिक स्प्रिट ऑफ अटम इन अ सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर्स कह रहा कि ये टू कारम जो कविता है बाबू इस कविता में किड्स ने अस्मरणीय चित्रों की स्मरणीय चित्रों स्मरणीय का मतलब जो याद यादगार जो चीजें हैं उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं ठीक है चित्रों की एक श्रृंखला मैंने लिखा हुआ है बहू बच्चों यहाँ पर कि स्प्रिट ऑफ अटम इन सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर्स मेमोरेबल पिक्चर्स का मतलब होता है कि एकदम यादगार तस्वीर जो है ठीक है या आज सीरीज का मतलब श्रृंखलाबद्ध श्रृंखलाबद्ध यादगार तस्वीरों को प्राकृतिक की तस्वीरों को प्रकट करने का प्रयास करते हैं अपने कविताओं में ठीक है लिख रहे बाबू कि किट्स डिस्क्राइब किट्स वर्णन करते हैं द ब्यूटी सुंदरता को एंड कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट ऑफ अट्टम यानी कि अट्टम के अट्टम के चरित्र को यानी कि अट्टम के प्राकृतिक चरित्र को वर्णन करने का प्रयास करते हैं अटम इन सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर्स कैसे बाबू तो सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर्स के माध्यम से अटम की सुंदरता का बखान करना चाहते हैं एक्जिबिटिंग का मतलब प्रदर्शित करते हुए क्या होता है बाबू प्रदर्शित करते हुए किस चीज को प्रदर्शित करते हुए द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर यानी कि आत्मिक विशेषता के बारे में सुंदरता तथा आत्मिक विशेषता के बारे में प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांतिक सुंदरता जो सिद्धांत सिद्धांत होता है उसकी एंड द ब्यूटी ऑफ नेचर ब्यूटी इन नेचर प्रकृति के सिद्धांत को प्रकृति के जो खूबसूरती है उसके बारे में कभी वर्णन करना चाहते हैं ठीक है बच्चों तो आपने देखा कि कवि का परिचय कवि जो है वो कैसे मतलब कि अपना परिचय देते हैं ठीक है अब नेक्स्ट थोड़ा सा देखते आइए देखते हैं अब लाइन वाइज कविता का अर्थ हम लोग समझते हैं ठीक है बच्चों कह रहा है कि सीजन ऑफ मिस्ट से एंड मेलो फ्रूटफुलनेस ध्यान रखना होगा बच्चों मैं लाइन वाइज आपको अर्थ इसका बताते चलूंगा ठीक है देखिए पर का मतलब होता है कह सकते हैं कोहरा धुंध कह सकते हैं या कुहासा भी कह सकते हैं ठीक है मेलो फ्रूटफुलनेस मेलो का मतलब होता है मधुर फ्रूटफुलनेस का मतलब होता है जो फल होते हैं जो फल की प्रचुरता होती है उसके बारे में चर्चा की गई है तो यह जो सीजन है कौन अट्टम जो सीजन है बच्चों वो कैसा सीजन है तो मिश एंड मेलो फ्रूटफुलनेस यह जो है वह फलों के पकने का मधुर मधुर फलों के पकने का मधुर मधुर फलों का त्यौहार अति है सीजन है एंड मिस्ट और कोहरों का सीजन है ठीक है त्यौहार मुझे बार बार आ जा रहा है नहीं सीजन है ऋतु है ठीक है आगे क्लोज बुजम फ्रेंड ऑफ द सन जो मैच सन है है सन का मतलब होता परिपक्व सूरज क्लोज बुजम फ्रेंड और ये अट्टम का जो क्लोज बुजम फ्रेंड है जो अट्टम जो है सीजन जो है उसका क्लोज बुजम फ्रेंड कौन है तो उसका क्लोज बुजम फ्रेंड है बाबू आपका कौन मैच्यिंग सन जो कि एकदम मेच्योर्ड हो चुका है परिपक्व हो चुका है सूरज ये क्या हो है कि उस उस मौसम में सूरज जो है बिल्कुल परिपक्व हो जाता है और सूरज जो है वो गर्मी पैदा करता है उसी गर्मी से फल जो है वो ग्रो करते हैं पकते हैं ठीक है ठीके? तो उसको पकाने में बड़ी माहिर है तो अट्टम जो है उसके साथ दोस्ती करता है उसका क्लोज फ्रेंड रहता है और दोनों मिलकर क्या करते हैं कंस्पायरिंग करते हैं कंस्पायरिंग का मतलब है योजना बनाना या षडयंत्र रचना ठीक बच्चो? है बच्चों दोनों मिलाकर के षडयंत्र रचते हैं कि विद हिम उसके साथ किसके साथ बाबू कंस्पायरिंग विद हिम अटम क्या करता है कि कंस्पायरिंग विद हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस और वो लोग आपस में कंस्पायरिंग करता है कि कैसे जो है वो पूरे फलों को पूरे जो फूल हैं फल हैं उस समय के कैसे उनको लोड कर दिया जाए और उनको ब्लेस कर दिया जाए यानी कहने का मतलब कि उस समय सभी पेड़ों के फलों को लाद दिया जाए और उनके इर्द गिर्द जो है वो कैसे मतलब कि पूरे फूल जो है उनको क्या किया जाए या तो खिला दिया जाए इस तरह का मतलब कि वो दोनों कंस्पायरिंग कंस्पायरिंग करते हैं लोग ठीक है यहाँ तक तो, तो आपको और समझ में आया बाबू नेक्स्ट क्या है तो किससे फल को लाद, दे, लाद देना किससे लादना है वो कि क्या क्या आशीर्वाद देना है तो विद फ्रूट्स द वाइंस दैट राउंड द थैच run. ध्यान रखना बाबू यहाँ पर वाइंस का मतलब होता है लताएं और यहाँ पर लताएं यानी कि अंगूर की लताएं भी कर सकते हैं ठीक है ऐसे कोई भी जो लताएं होती है जो मतलब कि पेड़ पर सॉरी जो मतलब कि घर पे दीवारों से होकर के जो छत पे चढ़ करके पूरा फैल जाती है उस लताओं की बात कर रहा हूँ मैं तथा तक विद फ्रूट्स द वाइन्स दैट वाइन्स जो है जो मतलब कि लताएं जो है डेट राउंड गोल गोल कर करते हुए थैच इप्स रन थैच मतलब होता है छप्पर और इप्स मन होता है ओलती या ओर या रन मतलब होता है चढ़ना ठीक है जो कैसे क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि जो ये घर हो गए और इसे मान लें कि ये घर आप सॉरी हमको घर तो बनाने नहीं आता है घर हो गया और यहाँ से कैसे ये उल्टी होता है देखिए ये ध्यान से उल्टी तो है ये छत हो गया ठीक है तो कैसे मतलब कि ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर है आपका मान के चलते हैं कि आपका ये झोपड़ पट्टी टाइप का हो गया ठीक है और इस पर जो चढ़ता है ऐथी लताएँ धरती हो गया इस पर लताएं चढ़ करके ओलती होता। जहां से होता है पानी नीचे की गिरता है ना वो फूस का मकान रहता है या खपरा उपरा का मकान रहता है उस पर चढ़ करके और इसके छत पर चारों तरफ फैल करके क्या करते हो फलते हैं तो कहता है बाबू यहाँ पे बता रहा है आपको किराउन पूरे चारों तरफ उस पर फैल गए हैं उनके अंदर फल को ला देना है उनमें फल को फैला देना है उसको पका देना है टू बेंड और झुका देना है किसको झुका देना है विद एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री अब देखिए क्या हुआ है बाबू मान के चलते हैं कि कॉटेज आपका हो गया ये कॉटेज आपका हो गया ध्यान देंगे थोड़ा सा सॉरी मुझे तो मतलब फिगर तो सॉरी बनाने नहीं आता है ये आपका कॉटेज टाइप का हो गया ठीक ना जो घर है याद रखेंगे जो घर है तो यहां पर जो काई जम गया है क्या जम गया बाबू यहाँ पर जो है वो काई जम गया है ये सब काई टाइप का जम गया है और वहां पर एप्पल के ट्री है ये घर हो गया मान के चलिए सब घर हो गया ठीक है और यहाँ पर एप्पल के ट्री है ये मान के चलते हैं कि ये ट्री आपका हो गया ठीक है और इस पर एप्पल के पौधों को इतना मतलब कि लाद देना इस पर ताकि ये बेंड कर जाए ये पौधा क्या हो जाए ये पेड़ क्या कर जाए झुक जाए तो समझिएगा यहाँ पर क्या कर रहा करे बहू कर टू बेंड विद एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री अब यहाँ पर समझना है एक एक में समझना एप्पल मोस्ट का मतलब काई लगा हुआ कॉटेज का मतलब झोपड़ी ट्रीज मतलब पेड़ तो जो मोस्ट कॉटेज ट्री है जहाँ पर कॉटेज ट्री है वहाँ पर जो मतलब काई लगा हुआ है और वहाँ पर जो एप्पल के वृक्ष हैं उसके ऊपर इतने ने फल को लाद देना है ताकि वो क्या हो जाए बेंड कर जाए झुक जाए एंड फिल ऑल फ्रूट विद रिप्लेस टू द कोर और सभी फलों को क्या करना है कि एकदम अंत तक पका देना है पूरी तरह से पका देना है कोर तक पका देना है ठीक है अंत तक उसको पूरी तरह से पका देना है पकाने के बाद क्या करे बाबू कि टू स्वेल द गॉड्स गॉड्स का मतलब होता है कद्दू क्या होता है बाबू कद्दू जो होते हैं ना कद्दू इस कद्दू की बात करता है जो कद्दू होते हैं इसको स्वेल कर देना बड़ा का एकदम उसको फुला देना है पूरा बड़ा कर देना है ठीक है और इसको गुद्देदार बना देना क्या बना देना बाबू गुद्देदार बना देना है ठीक है तो टू स्वेल द गॉड गॉड का मतलब कद्दू कुहरे कह सकते हैं एंड प्लम्प उसको पूरा मोटा बना देना प्लम्प का मतलब गुद्देदार बना देना उसको मोटा बना देना ठीक है बच्चों हेजल सेल्स हेजल सेल्स जो होते हैं क्या होते हैं सेल्स मतलब तो बीज होते हैं ध्यान रखेंगे हेजल एक प्रकार का जो मतलब कि अखरोट टाइप का कड़ा कह सकते हैं मतलब कि वो एक फल है जिसका अंदर में तो खाने टाइप का रहता है बच्चों लेकिन ऊपर से जो होता है ऊपर से बहुत कड़ा होता है ठीक ना जैसे हम लोग का क्रोट टाइप का होता है ना अंदर बीज होते हैं उसी बीज को कहा जाता है बाबू स्वीट कार्नल कहा जाता है क्या कहाता है बच्चों स्वीट कार्नल जो अंदर में बीज होते हैं उसको स्वीट कार्नल कहा जाता है स्वीट कार्नल विद कदा की जो हैजल सेल है विद अ स्वीट कार्नल उसका जो बीज है उसको एकदम मीठा बना देना है उसको एकदम खाने योग्य बना देना है और क्या करना है भावु? तो तू सेट बडिंग मोर याद रखना टू सेट बडिंग मोर सेट मतलब होता है खिला देना और बडिंग का मतलब होता है कलियां क्या बबू और जो फूल है वहां जो फ्लावर लगे हुए हैं फ्लावर उनके अंदर भी फूल एकदम पूरा उत्पन्न कर देना है ताकि वो फूल जो है वो मधुमक्खियों के लिए रस का मतलब क्या बन सके रस का प्याला बन सके क्या बन सके बच्चों रस का प्याला बन बन सके लिखा भी है बडिंग मोर उसमें अधिक से अधिक कलियां खिला देना है एंड स्टील मोर और इससे अधिक लेटर बाद में और यह जो है बाद में क्या बन जाए फ्लावर्स फॉर द बीज ये फ्लावर्स जो है वो कप बन जाए रस का कप बन जाए बीज मधुमक्खियों के लिए जो मधुमक्खियां हैं उसके लिए रस का ये कप बन जाए ठीक है और उस कप में जब मधुमक्खियाँ क्या करती है जब मधुमक्खियाँ उसका रस का पान करती है जब रस में एकदम सराबोर डूबी हुई रहती है तो क्या सोचती है कि अंटिल दे थिंक वॉर्म डेज विल नेवर सीज और तब जाके वे क्या सोचने लगती है कि जो वॉर्म डेज है जो मतलब गर्मी के जो मौसम है वॉम डेज गर्मी के जो मौसम है नेवर सीज सीज मतलब होता है ख़त्म कभी ख़त्म ना हो नेवर सीज का मतलब क्या होता है वो कभी ख़त्म ना जो ये गर्मी का जो सीजन है वो कभी ख़त्म नहीं हो क्योंकि वो चाहती हैं कि ऐसे ही गर्मी बढ़ता रहे जिससे हम लोग का जो रस है वो हमेशा क्या होता रहे मिलता रहे ठीक है बच्चों फिर कह रहा है कि फॉर समर क्योंकि समर में क्या होता है कि हैज ओवर ब्रिम्ड देखिए ओवर ब्रिम्ड का मतलब क्या होता है थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ओवर ब्रिम्ड का मतलब क्या होता है बच्चों ओवरब्रिम्ड का मतलब होता है लबा लब पूरी तरह से भरा हुआ देयर क्लमी सेल्स उसके जो चिपकदार जो प्याले हैं चिपकदार जो सेल हैं ये जो मान के चलते हैं कि फ्लावर हो गया जो फूल हो गया उस फूलों फूल का जो ये चिपचिपा जो भाग है उससे इतना ना मतलब कि रस से भरा हुआ है इतना वर, कि लबा लब टाइप का महसूस हो रहा है कैसा महसूस हो रहा है बाबू लबा लब टाइप का महसूस हो रहा है पूरा एकदम लबा लब लग, लग रहा है क्या है वो भरा हुआ है तो यही कह रहा है कि क्लमजी सेल जो है वो ओवर ब्रिम्ड है जिसके चलते मतलब मधुमक्खियाँ जो है वो मधुमक्खियों का सबसे बहुत बढ़िया बेस्ट स्थान है जिससे वो रस का पान करती हैं वो नहीं चाहती हैं कि मौसम कभी समाप्त हो ठीक है तो यहां तक तो आप स्पष्ट कर लिए अब देखते हैं थोड़ा सेकेंड दूसरा स्टेंजा हम लोग देखते हैं बच्चों कि यहां पर लिखा हुआ है कि हु हैथ ध्यान रखना क्या लिखा हुआ बाबू हु हैथ नॉट सीन दिन अमिड अब क्या कह रहा है यहां पर थोड़ा समझने की जरूरत है बाबू समझने की जरूरत यह कि पहले जो स्टेंजा है इसमें मतलब कि तीन स्टेंजा में कविता लिखी गई है और तीनों स्टेंजा जो है वो बहुत बड़ा बड़ा लाइन है ग्यारह लाइन लगभग है वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन हाँ और इस तीनों मतलब के स्टेंजा में अलग अलग थीम को रखा गया है अलग अलग विषय वस्तु को रखा गया है जैसे कि पहला स्टेंजा में आपने क्या देखा कि अटम को एक सीजन के रूप में माना गया है जिसमें फलों के पकने की बात की गई है और ये दूसरा जो आपका स्टेंजा है उस स्टेंजा में फलों के पकने का नहीं फलों के बारे में नहीं बल्कि अटम को एक व्युमेन के रूप में एक लड़की के रूप में एक वुमन के रूप में मतलब प्रश्नफाइट किया गया है ठीक है मतलब कि वुमेन के रूप में रखा गया कैसे यहाँ पर कवि लिख रहा है कि हु हैथ नॉट सीन दी ऑफन अमिड द स्टोर यहाँ पे जो रेक्टोरिकल क्वेश्चन किया गया रेक्टोरिकल क्वेश्चन का मतलब होता है बाबू जिससे प्रश्न नहीं पूछा जाता हो बल्कि अपना एक ओपिनियन दिया जाता हो जैसे कि इंटरगेटिव टू असर्टिव बताया गया था ना आप लोग को पढ़ाते समय आप लोग पढ़े होंगे तो इसको रेक्टोरिकल क्वेश्चन बोलते हैं जिसमें क्या किया था क्वेश्चन नहीं पूछा जाता बल्कि अपनी बात को वहां पे फोर्स किया जाता है अपनी बात को हु रखा नॉट सीन दिन अमिर दा स्टोर करा है कि, कि किसने तुम्हें नहीं देखा है मैंने किसने तुम्हें नहीं देखा है तुम्हें तुम्हारे स्टोर के पास किसने तुम्हें मैंने लगभग कभी कह रहा है कि यहाँ पर तुमको सब लोग देखता है कि तुम अपने स्टोर के पास पाई जाती हो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसके मीनिंग पर ध्यान देंगे बच्चों क्या लिखा गया है थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इसके मीनिंग पर कह रहा है बाबू कि स्टोर स्टोर का मतलब होता है जहां पर अनाज को रखा जाता है ठीक है अमीर का मतलब के बीच डाइ यहाँ पर टी एच डब्ल्यू डी मतलब होता है तुम ठीक है अब यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में है तो दी तुम्हें ठीक है अब उस तरफ हैथ हैज, हैज, हैज के अर्थ में लिखा गया ठीक है ध्यान दीजिएगा इस पर कह रहा कि तुम्हें किसने नहीं देखा है तुम्हारे स्टोर के पास स्टोर के बीच ठीक है टाइम्स हु एवर सिक्स अब्रोड में फाइंड कह रहा है कि कभी कभी लोग अगर तुम्हें बाहर देखते हैं या बाहर जाकर के ब्रोड का मतलब होता है बाहर बाबू सिख मन होता है खोजना या तलाश करना भी होता है बाबू ठीक है याद रखना होगा कि जो मतलब कि कभी कभी लोग अगर तुमको बाहर देखते हैं तब तो पर भी तुम वहाँ पर पाई जाती हो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका कि अब्रोड बाहर जो तुमको देखा जाता है तो तुम वहाँ पर ही पाई जाती हो कहने कभी कभी लोग जो है समटाइम्स कभी कभी जो है However, फिर भी six abroad में find, तुम बाहर ही पाई जाती हो, तुमको बाहर ही अक्सर देखा जाता है ठीक है अब आगे की ओर कभी बता रहा है इसमें बच्चों ध्यान देना होगा थोड़ा सा क्या बता रहा है कभी कभी कह रहा है कि सिटिंग केयरलेस तुम कहां पाई जाती हो केयरलेस बिना किसी केयर के बिना एकदम बिल्कुल आरामदायक केयरलेस पाई जाती हो कहां पर केयरलेस पाई जाती हो ऑन अ ग्रेनरी फ्लोर ग्रेनरी फ्लोर का मतलब होता है अनाज रखने का जो जगह होता है गोदाम होता है उसको ग्रेनरी कहा जाता है अनाज का गोदाम भी कह सकते हैं अनाज के गोदाम में तुम यू ही केयरलेस पाई जाती हो आराम से बैठी हुई पाई जाती हो कहा भाई उसके फ्लोर पे ठीक है आगे कह रहा है कि दाई हेअ सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग वाइंड और तुम्हारे जो बाल हैं ध्यान रखना है कि जो तुम्हारे बाल हैं वो बाल जो हैं विनोइंग वाइंड में उड़ता हुआ प्रतीत होता है यानी कि तुम्हारे जो बाल हैं वो विनोइंग वाइन का मतलब क्या होता है थोड़ा समझते हैं विनोइंग वाइन का मतलब होता है बाबू उड़ाने वाली हवा या ओसाने वाली हवा जब आप मतलब कि देखिए यहां पर आप मैं आपको एक पिक्चर के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि जब मान लेंगे ऐसे ऐसे करके बनाया गया है इसमें अनाज है और जब हवा बह रहा तेजी से हवा बह रहा है तो अनाज जो है वो नीचे गिर जाता है यहाँ पर नीचे गिर जाता है ठीक है नीचे गिर जाता है लेकिन जो उसके भूसी टाइप के होते हैं ये जो है वो बाहर उड़ते हैं उसी को जो अट्टम है उसके बाल के रूप में बताया गया है ठीक है तो जो तुम्हारे बाल हैं वो विनोइंग वाइंड के साथ उड़ाने वाले जो हवा है उसके साथ उड़ रहे हैं ठीक है और या ऑन अ हाफ रिप्ड फुरो साउंड स्लिप या तुम कभी कभी पाई जाती हो हाफ रिफ्ट देखिए हाफ रिफ्ट का मतलब होता है यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे क्या जिस समान के धान का ये अनाज हो गया सब ये अनाज हो गया सब ठीक है ये मन पौधे हो गए ठीक है बाबू मान के चलते पौधे हो गए और ये पौधे को काटने के क्रम में याद रखेंगे जो काटने का क्रम है उसके क्रम में क्या लिखा गया है थोड़ा समझते हैं क्या लिखा गया बाबू कि और ऑन हाफ रिप्ड मान अर्ध कटे हुए मान के इतना कटा हुआ है इतना काट दिए ठीक है इतना मान के काट दी है अनाज को और ये सब अनाज जो है कटने से बच गया है ये सब अनाज जो है कटने से बच गया क्यों बच गया बाबू क्योंकि कभी यहां पर समझाना चाहता है ये बात कि सॉरी और ऑन हाफ रिड फ्रो साउंड स्लिप और तुम इन्हीं क्यारियों के बीच क्या करती हो इन्हीं क्यारियों के बीच तुम क्या करती हो कि साउंड स्लीप पूरी तरह से एकदम सो जाती हो ठीक है क्यों सो जाती है कर, जो अटम है उसके बारे में तो बताया गया है क्यों सो गई है भाई अतो ड्रॉज विद द फ्यूम ऑफ पुपिज वाइल दाई हुक स्पेयर्स द नेक्स्ट नेक्सॉ एंड ऑल इट्स ट्विन फ्लावर्स देखिए क्या यहां पर मतलब कह रहा है कवि का कहना है बच्चों कि जो मतलब कि तुम अर्ध अर्ध कटे हुए क्यारियों में स... साउंड स्लिप्स हो जाती हो क्योंकि तुम शायद ड्रॉज हो जाते हो ड्रॉन्ज का मतलब होता है ऊँघ जाना या थोड़ा सा बेहोसी टाइप का हो जाना मद मदहोश टाइप का हो जाना विद अ फ्यूम मैंने गंध से पपीज का मतलब होता है एक प्रकार का अफीम कह सकते हैं जो मतलब कि वहाँ पर एक पौधे के रूप में उगाया जाता है ठीक है तो उस फ्यूम के जो मतलब कि जो फ्यूम है जो अफीम के जो फ्यूम है उससे तुम ड्रॉज हो जाती हो तो मतलब कि क्या हो जाती हो बेहोश टाइप का हो जाती हो सो जाती हो या उंघने लगती हो ठीक है जिसके चलते वाइल दाई हुक जबकि तुम्हारे हुक जो है जो हंसिया है जिससे ये इसे काटा जाता है ये हसिया जो होता है जिससे काटा जाता है बाबू वो क्या होता है ये देखिए हंसिया है जिससे काटा जाता है अनाज को वो उसके हाथों में ही पकड़ा रह जाता है और हाथ में पकड़े होने के कारण क्या होता है कि स्पेयर द नेक्स्ट स्वाथ स्पेयर बताते बच जाना या छूट जाना नेक्स्ट स्वाद का मतलब था पलहारी जो ये नेक्स्ट पलहारी जो है ये सब जो काटने वाली जो प्रक्रिया थी ये क्या हो जाते हैं बच जाते हैं और बचने के परिणाम सर का क्या कहता है कि एंड इश्ट ट्यूनेट फ्लावर और उनके जो खिले हुए फूल हैं फ्लावर्स जो हैं वो भी क्या होते हैं छूट जाते हैं कभी यहाँ पर यह बताना चाहता है कि तुम तो उससे झपकी लेने लगी और झपकी लेते लेते जो अफीम के गंध से जो झपकी लेने लगी जिसके चलते हंसिया हाँ तुम्हारे हाथ में रह गया जैसे जो अगली पलहारी जो है वो कटने से क्या हो गया बच जाता है और जो उसमें लिपटा हुआ जो फूल है ध्यान ये सब फूल जो है पौधे जो हैं वो भी क्या होते हैं बच जाते हैं अर्थात तुम नहीं काट पाती हो ठीक है बच्चों एंड समटाइम्स लाइक ग्लीनर तुम कभी कभी देखी जाती हो किस रूप में भाई आ तो ग्लीनर के रूप में ग्लीनर का मतलब होता है बाबू अनाज को इकट्ठा करने वाला वाली जो अनाज को क्या करते हैं इकट्ठा करते हैं जैसे खेत में अनाज छूट जाता है ना उस अनाज को इकट्ठा करने वाला वाली को क्या कहते हैं बाबू ग्लीनर कहा जाता है ध्यान रखेंगे तो ग्लीनर के रूप में तुम देखी जाती हो ठीक है बच्चों ग्लीनर डोस्ट की तुम उसको रखती हो ग्लीनर करती हो मैंने वहाँ पर तुम क्या करती हो कि उसको अनाज को इकट्ठा करती हो इकट्ठा करने के बाद उसको रखती हो रखने के बाद तुम उसको अपने सर पर लेकर के स्टडी दाई लेड एंड हेड अक्रॉस द ब्रुक और तुम धीरे धीरे एकदम अविचल होकर एकदम स्थिरता से स्टडी से ना स्थिरता से धीरे धीरे तुम जब तुम अपने लेड एन हेड लेड एन हेड का मतलब दाई लेड एन हेड का मतलब तुम्हारे जो लदे हुए अनास जो लदे हुए सिर है जो तुम्हें भारी लग रहा है उसके चलते तुम धीरे धीरे अपने आप को बचा करके आ रही हो कहां पर बचा कर तो ब्रुक जो नदी नाले हैं उसको तुम बड़ा बचा करके आ रहे। क्योंकि तुमको ऐसा डर लगता है कहीं ये अनाज जो है वो गिर ना जाए ठीक है या कहीं मैं गिर ना जाऊं इस तरीके से अपने आप को सेव करते हुए धीरे धीरे वहां से तुम आती हुई प्रतीत होती हो ठीक है और बाय अ साइडर प्रेस विद पेटेंट लुक और तुम साइडर प्रेस के पास साइडर प्रेस का मतलब होता है बाबू सेव का रस निकालने वाला जो मशीन होता है जो एप्पल जूस कह सकते हैं हम लोग एप्पल जूस का मशीन जो होता है उसको लोग साइडर प्रेस बोलते हैं तो उससे जो रस टपक रहे हैं विद पेटेंट लोग उसको तुम एकदम क्या करते हो कि वहां पर एकदम ए, सावधानी से एकदम मतलब कि एकाग्र होकर के चुपचाप देखती रहती हो, हो ठीक है कब तक दाउवा वाचिस्ट तुम्हारा देखना द लास्ट उजिंग्स लास्ट उजिंग्स का मतलब होता है लास्ट बूंद तक आवर्स बाय आवर्स मैंने की आवर बाय आवर्स मैंने की घंटों घंटों तक जब तक लास्ट बूंद उसका नहीं गिर जाता है तब तक तुम वहां पर क्या करती हो उसको देखते रहती हो देखते रहती हो ठीक है बच्चों तो आपको आई होप ये लाइन आपको समझ में आया होगा ज्यादा क्लियर तब होगा बच्चों जब आप भी एक बार इसको पढ़ोगे इसके मीनिंग को रिमेंबर करोगे ठीक है अब हम थोड़ा सा आपको नेक्स्ट यानी कि थर्ड स्टैंड को हम बताते हैं आपको देखिए चलिए देखते हैं लास्ट स्टेंजा में क्या कह रहा है बच्चों इस स्टेंजा में कभी जो है वो वहाँ के म्यूजिक वगैरह को चर्चा करता है अपने सीजन के ठीक है क्या कह रहा है बाबू कि वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग यहाँ पर भी इलेक्टोरिकल क्वेश्चन किया गया है उसके तरह ऊपर वाला की तरह ठीक है कहाँ है वसंत के गीत यानी कि यहाँ पर वसंत ऋतु को थोड़ा सा मतलब कि नीचा दिखाने का प्रयास करता है अपने सीजन के सामने ठीक है वही कहता है कि वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ ए स्प्रीम कहाँ है वसंत के गीत ए वेयर आर दे कहाँ है वे ध्यान देना कहो यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन मार्क है ठीक दे, है देख लिए क्वेश्चन मार्क है वेयर आर दे कहाँ है वे ठीक है करो कहाँ है वे नेक्स्ट नेक्स्ट में कह रहा है कि थिंक नॉट ऑफ देम मत सोचो उसके बारे में क्या करे कभी थिंक नॉट ऑफ देम उसके बारे में तुम्हें नहीं सोचने की जरूरत है ठीक है थिंक नॉट ऑफ देम उसके बारे में मत सोचो दाऊ हैस्ट दाई म्यूजिक टू तुम्हारे पास भी हैं तुम्हारे संगीत उनके बारे में तुमको सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास भी तुम्हारे संगीत हैं ठीक है आगे कोई बता रहा है कि वाइल्ड बैरेड क्लाउड्स जब अस्तरी बादल ध्यान देखना होगा यहां पर बच्चों करके वाइल्ड बैरिड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे रहा है, है कि जब अस्तरित बादल जो हैं क्या करते हैं कि आकाश में शाम के समय में जब खिलते हैं तो क्या करते हैं ध्यान देना होगा बच्चों कि जब वो शाम के समय में मतलब कि सिटिंग करने के जाते हैं सिटिंग में डाइंग डे होता है सिटिंग करना मतलब अस्त होने के रूप में जाते हैं तो ब्लूम एक प्रकार के बादल जो हैं बादलों के बीच में प्रकाश जो है वो एक प्रकार का चमकता है वो कैसा प्रकाश होता है बच्चों तो एंड टच द स्टबल प्लेंस विद रोजी हुई वो गुलाबी रंग का प्रकाश होता है जो स्टबल प्लेंस का मतलब होता है जो मतलब कि जो समतल मैदान होते हैं जिस पर अनाज कटे हुए होते हैं और उसमें जो खूटी टाइप का नहीं हो जाता है उसी को स्टबल प्लेंस कहा जाता है तो उसको जब टच करती है तो एक गुलाबी रंग जैसा मतलब कि बिखेरती है ठीक है एक गुलाबी रंग के जैसा क्या होता है निकलता है ठीक है थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि जो मतलब कि दिन समाप्त होता है तो उसके साथ साथ जो तो पूरी धरती है वो खूबसूरत रंगों से क्या होते हैं ढक जाते हैं एक खूबसूरत रंग को उसे रोजी हुई का उपाधि दिया गया है रोजी हुई का मतलब तो गुलाबी रंग जो होता है गुलाबी रंगों से क्या होता है एकदम तो पूरी तरह से क्या होते हैं ढक जाते हैं ठीक है थेके? और आगे बता रहा बाबू कि देन इन अ वेलफुल कुयर और उस समय फिर कुेर का मतलब होता है संगीतज्ञों की मंडली क्वेर मतलब क्या होता है वो संगीतज्ञों की मंडली और तब उसी समय क्या होता है कि एक संगीतज्ञों की मंडली जो है जो किसके जो कौन होता है वो द स्मॉल नट्स जैसे नट्स का मतलब यहाँ पर होता है छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या पिस्सू भी कर सकते हैं उसको ठीक है ना छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके जो झुंड हैं वो विलाप करना शुरू कर देते हैं क्या करना शुरू करते हैं वो विलाप करना शुरू करते हैं लिखा है कि वेलफुल को मैंने कि एक शोकपूर्ण वेलफुल का मतलब यहाँ पर शोकपूर्ण होता है नर्स जो है मौर्न का मतलब विलाप करना वो क्या करते हैं कि विलाप करना शुरू कर देते हैं रोना शुरू कर देते हैं ठीक है रात के समय में क्योंकि उस तरह का मौसम ही होता है बच्चों कि वो एक तरह से एकदम लगता है जैसे कि दम घुटने टाइप का रात्रि के समय में होने लगता है तो क्या करते हैं कि मॉर्नफून कोर जो हैं वो बिलाप करते हैं और वहाँ पर एक और बात आपको समझाई गई बाबू कि छोटे छोटे जो जो झुंड होते हैं उनके वो वहाँ पे क्या करते हैं कि गाना वगैरह या चिल्लाना वगैरह शुरू कर देते हैं ठीक है आगे बता रहा है बाबू कभी करके अमोंग द रिवर्स सैलोज करोज कर बॉर्न अलॉफ्ट क्या होता है ना कि वहां पर अमोंग द रिवर्स सैलोज मैंने हल्के पीले रंग के जो होते होते छोटे छोटे जो नहीं नदी में जब ऊपर में कुछ लग जाता है काई टाइप का तो ऊपर हल्के हल्के पीले रंग के जो कुछ जीव जंतु जो होते हैं जो होते हैं वे क्या करते हैं स्वरूप आश्रय लिए होते हैं और वो क्या करते हैं बच्चों कि झुंड बना करके वो वहाँ पर मतलब कि और सिंकिंग एज द लाइट विंड लिप्स एंड डाइज यहाँ पर समझते हैं थोड़ा सा क्या कर रहा है कि और सिंकिंग डूबना सिंकिंग का मतलब होता है डूबना एज द लाइट विंड लिप्स एंड डाइज कहता है कि वहाँ पर वो जीते मरते हैं अब यहाँ पर क्या मतलब है कि वहाँ पर जो हल्की हवाएं जो बहती है जब वहाँ पे तो हल्की हवाओं से वो जो जीव जो होते हैं जो पौ जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो क्या करते हैं कभी उड़ते हैं तो कभी उस पर बैठते हैं और उसी पर उनका जीवन और मरण होता है ठीक है यानी कहने कहने के नदी के ऊपर जो भूरे मैंने कि पानी के ऊपर जो भूरे रंग के जो बैठ जाते हैं उस पर पीले पीले टाइप के जो जीव होते हैं वो हल्की हवा के साथ बहते हुए जीते मरते हैं यानी कि हल्की हवा के साथ कभी ऊपर उड़ते हैं कभी नीचे बैठते हैं ठीक है और नीचे बैठते उड़ने के क्रम में उसी पर क्या करते हैं जीते मरते हैं ठीक है लिप्स एंड डाइज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा सिंकि का मतलब होता है डूबना होता है लाइट वाइंड को हल्की हवा होती है सलोज का मतलब है हल्के पीले रंग के थे ना अब ब्राउन अलॉफ्ट का मतलब होता है आश्रय लिया हुआ तो जो हल्के पीले रंग के जीव जो नदियों के ऊपर आश्रय लिए होते हैं जब जब हवा का हल्का झोंका बहता है तो ऊपर नीचे करते हुए क्या करते हैं मरते और जीते हैं ठीक है यहां तक क्लियर हो गया एंड फुल ग्रोन लैम्पस और सयाने लैम्प लैंप्स का मतलब क्या होता है बाबू मेमने जो सयाने मेमने होते हैं जो मतलब कि ए, कह सकते हैं कि आप जो नहीं भेंट टाइप के होता है उसका जो बच्चे होते हैं उसको मेमना कहा जाता है वो मेमने क्या करते हैं बच्चों कि लैम्स लाउड ब्लीट लाउड मतलब जोर जोर से ब्लीट मतलब तो मेमियाना उनकी आवाज़ को ब्लीट बोला जाता है ठीक है मेमियाना फ्रॉम द हिली बॉर्न मानी कि वो हिली जो पहाड़ी इलाके हैं पहाड़ी इलाकों में जो पानी के कहीं कहीं पर जो स्रोत होते हैं जिसको हम नदी भी कह सकते हैं छोटा छोटा कैथी टाइप के कह सकते हैं सोता टाइप के कह सकते हैं जहाँ पर पानी पाए जाते हैं तो उस उसके लिए पहाड़ियों से वो जो लैम्प्स हैं वो मेमियाना शुरू करते हैं ठीक है शाम के समय में वो पानी की तलाश में उधर जाते हैं पानी की तलाश में जाने के क्रम में वो मेमियाना क्या करते हैं शुरू करते हैं कहाँ जाते हैं हिली ब्रॉन ब्रन का मतलब होता है पहाड़ी जो पानी का जगह होता है या छोटी छोटी नदी टाइप का भी हम कह सकते हैं या कराहूही जो होता है ना उस टाइप का हम कह सकते हैं ठीक है बच्चों अब फिर कह कि हेज क्रिकेट अब अगला यहां पर पॉइंट कर रहा हूं कि हेज क्रिकेट्स का मतलब क्या होता है हेज क्रिकेट्स का मतलब है कि झाड़ी के जो झिंगुर होते हैं झिंगुर जिसको बोला जाता है ठीक है हेज क्रिकेट जो झाड़ी के झिंगूर होते हैं वो भी मतलब कि क्या करते हैं झिंगुर जो होते हैं सिंह कर्कश स्वर में गाते हैं एंड नाउ विद टेरिबल सॉफ्ट और उनको लगता है कि मैं इसको सॉफ्ट रूप में गाते हैं लेकिन वो कीट पतंग जो है कर्कश स्वर में गाते हैं उनकी आवाज़ जो होती है वो बड़ा ही कर्कश होती है ठीक है ऊपर भेड़ पहाड़ी पर जो भूमि पर खड़ी होकर के जोर जोर से जो चिल्लाते हैं तो इधर जो हेज क्रिकेट है वो झाड़ियों में चिल्लाते हैं ठीक है ठीके? अर्थात कर्कश स्वर में गाना गाते हैं ठीक है बच्चों आगे कह रहा है कि द रेड ब्रिस्ट देखिए रेड ब्रिस्ट का मतलब होता है रॉबिन पंछी क्या होता है रेड ब्रिस्ट का मतलब क्या होता है विस्लिंग मतलब सिटी तो क्या करते हैं कि करते है, ए, करते हैं हैं ए फ्रॉम द गार्डन क्रॉफ्ट कहाँ से भाई आ तो गार्डन क्रॉफ्ट बागीचे से जो वहां पर कहीं बागीचा है उस बागीचे में रॉबिन पंछी जो हैं जो रॉबिन पंछी होते हैं वो भी क्या कर रहे हैं बच्चों आ तो वहां पे ए, विस्लिंग कर रहे हैं मतलब कि चहचहा रहे हैं मतलब कि सीटी टाइप के बजा रहे हैं गाना गा रहे हैं ठीक है आगे बता रहा है लास्ट लाइन है इसका बाबू कि एंड गैदरिंग स्वेलोज देखो स्वेलोज का मतलब होता है अबा बिल पंछी क्या होता है बाबू स्वेलोज का मतलब होता है अबा बिल पंछी याद रखेंगे एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काइज और क्या करते हैं कि जो स्वेलोज होते हैं जो अबाबिल पंछी होते हैं वो शाम के समय में आकाश में ट्विटरिंग करते हैं क्या करते हैं चिल्लाते हैं या चहचहाते हैं कह सकते हैं आकाश में चहचहाने का काम करते हैं तो इस प्रकार से आपका मतलब कि ये कविता जो है वो क्या होता है समाप्त होता है आप लोग इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझिएगा पूरे इसके कॉन्सेप्ट को याद कीजिएगा ठीक है अब मैं इसका वर्ड मीनिंग आपके पास दे देता हूँ आप लोग थोड़ा सा इसके वर्ड मीनिंग को ध्यान में रखिएगा ठीक है चलिए देख लेते हैं इसके वर्ड मीनिंग को थोड़ा सा और टू अट्टम बाय जॉन किड्स इंट्रोडक्शन ऑफ पोअट पोएट के बारे में आप देख लीजिएगा पोएट के बारे में वर्ड मीनिंग को आप नोट कर लीजिएगा ठीक है उसके बाद पोएट के बाद आप लाइन वाइज इसका जो मीनिंग है उसको भी आप लोग देख सकते हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ तक आप लोग देख लीजिएगा इसको ठीक है लाइन वाइज मीनिंग हो गया ठीक है यहाँ तक आप लोग उतारिए इसको पहले ध्यान दीजिएगा नोट कीजिएगा या स्क्रीनशॉट अपना ले लीजिए ठीक है उसके बाद आपको इसके बाद ये आपका मीनिंग यहाँ तक है इसको ध्यान रखेंगे ठीक है ये सारा जैसे कि टेरिबल शॉप बहुत ही अधिक है, ए, मतलब कि मुलायम लेकिन कर्कश कर सकते हैं ठीक है रेड ब्रेस्ट मतलब रॉबिन पंछी जो होता है स्टिल मतलब बोलना है गार्डन क्रॉप याद रखें गैदरिंग सलो जवाबिल जो पंछीय कार्नेल बीज सब ध्यान में रखते रखते हुए उसका स्क्रीन ले लीजिएगा और उसको इसको याद कीजिएगा ठीक है तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में समरी लेकर आऊंगा और बहुत सारे कॉन्सेप्ट को लेकर आऊँगा ठीक है आज की वीडियो बस इतना ही थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो